राजधानी जयपुर के होटल क्लार्क्स आमेर में प्रमुख व्यवसायी प्रकल्प विक्की यानी विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जयपुर चैप्टर का विधिवत गठन होने जा रहा है। शुक्रवार 13 सितंबर को आयोजित समारोह में गठित टीम का शपथ ग्रहण समारोह भी आयोजित होगा। इस दौरान विप्र फाउंडेशन के संस्थापक सुशील ओझा नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाएंगे। इससे पहले फाउंडेशन से जुड़े सदस्यों ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया। इस दौरान VICCI के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महेश शर्मा, जयपुर चैप्टर के प्रेसिडेंट नवीन शर्मा, पदाधिकारी गौरव लाटा के साथ ही कोर कमेटी के सदस्य भी मौजूद रहे। विप्र फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि VICCI राष्ट्रीय स्तर पर पहले से काम कर रहा है, अब राजस्थान में जयपुर चैप्टर के माध्यम से इसकी शुरुआत की जा रही है। भविष्य में इसके संभाग और जिला स्तर पर भी चैप्टर खोले जाएंगे। इसके माध्यम से कॉन्क्लेव, सेमिनार और वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर समाज से जुड़े उद्यमी, व्यवसायी और प्रोफेशनल भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। उनका कहना है कि जयपुर चैप्टर से औद्योगिक विकास में विप्र वर्ग की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विप्रम शुरू होगा। संगठित तौर पर किए गए प्रयास से देश और समाज का भला होता है। हम सरकार की योजनाओं का लाभ विप्र उद्यमियों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इससे विप्र बंधु सफल होंगे। यह वक्त नेटवर्किंग का है। VICCI से समाज के उद्यमी एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि विप्र समाज के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विप्र फाउंडेशन द्वारा विक्की यानी विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का गठन किया गया है। इसके माध्यम से स्टार्टअप और बिजनेस का सपना समझने वाले युवाओं को वित्तीय मदद दी जाती है। विक्की छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों को नेटवर्क बनाने और बड़ी कंपनियों के साथ जुड़ने का अवसर भी प्रदान करता है। 13 सितंबर को विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की इंस्टॉलेशन सेरेमनी है, जहां शपथ ग्रहण समारोह होगा नई कार्यकारिणी का, और देश से समाज के बड़े व्यापारी वर्ग के सारे लोग यहां उपस्थित रहेंगे। और प्रदेश में जयपुर की कार्यकारिणी है चूँकि, तो जयपुर से करीब 125 व्यापारी जो इस समाज से बड़ा योगदान दे रहे हैं व्यापार में, वो सारे वहाँ उपस्थित रहेंगे। और विक्की के अंतर्गत हम देश की, राज्य की जो आर्थिक स्थिति है उसको तो बढ़ाएंगे ही, उसके अलावा आपस में विप्र समाज के अंदर लोगों को कनेक्ट करना, ग्रूम करना, सरकारी पॉलिसीज के से उनको अवगत कराना और आपस में व्यापार की नेटवर्किंग करना, ये हम लोगों का उद्देश्य रहेगा।